श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते रहते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त होगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त
जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु।